दोस्तों, रशिया को ऐसा शक है कि यूएस उन पर निगरानी रख रहा है, स्पाई कर रहा है जो उनके स्टेट ऑफिशियल हैं उनके मोबाइल के ऊपर, जिसकी वजह से उन सभी को ये कह दिया गया है कि आप में से कोई भी एप्पल का कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करेगा, चाहे वो आईपैड हो, आईफोन हो या फिर आईमैक हो, मैकबुक हो, कोई सा भी डिवाइस हो कोई यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ पर हम पे स्पाई करके वो शायद यूक्रेन की मदद कुछ इस तरीके से ही कर रहे हैं। और यही सेम काम यूएस करता है चाइना के डिवाइसेस को लेके, उनकी चिप्स को लेके, जिसकी वजह से कई सारी कंपनियों को उन्होंने बैन कर दिया है चाइना की, कि भैया ये हम पे स्पाई कर सकते हैं। तो वही काम अब रशिया कर रहा है। हालांकि रशिया से एप्पल काफ़ी पहले जा चुका है, मतलब पिछले साल ही चला गया था जब यूक्रेन पर इन्होंने अटैक किया था। उन्होंने कह दिया था कि बॉयकॉट रशिया जब तक वो ये युद्ध विराम नहीं कर देते, जिसकी वजह से एप्पल वहां पे है नहीं लेकिन इलीगली इंपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज से। दोस्तों, अल्कोहल छुड़वाने के लिए कई सारे रिहैब सेंटर होते हैं जिनके इश्तेहार आपने बस स्टैंड पे देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे और जगह जगह दीवारों पे चिपके हुए मिल जाते हैं। तो वहां पर लोग भेज देते हैं जिसको भी एडिक्शन होता है, वो हफ्तों महीनों वहां पर गुजार के आता है। लेकिन यूके के अंदर गेम एडिक्शन छुड़वाने के भी सेंटर बन चुके हैं, जहां पर जो ज्यादा एडिक्शन वाले बच्चे होते हैं उनको भेज दिया जाता है कि भैया देखो इनको छुड़वाओ इनका एडिक्शन। अब ऐसा ही एक लड़का था वहाँ पे जो कि आधी रात में अपना घर छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका वाईफाई बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो गेम खेल नहीं पा रहा था। और वो बीच रात में ही भाग गया और कहीं स्टेशन वगैरह का इंटरनेट यूज़ करके गेम खेलने लग रहा था, जिसके बाद में उसके माँ बाप पकड़ गया और उसको एडिक्शन सेंटर के अंदर डाल दिया। तो वहीं के एक हेड हैं बोर्डन जॉनसन, उन्होंने बताया कि ये एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर वो अपने माँ बाप से उधार लेते हैं पैसे कि भैया गेम के अंदर कोई स्किन खरीद लें, वो खरीद लें, यहाँ तक कि जो उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, क्रिसमस पे गिफ्ट कार्ड मिलते हैं उसको भी यूज़ कर देते हैं। और जब दोनों ही ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो वो चोरी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है एडिक्शन। तो यूके के अंदर भैया गेमिंग एडिक्शन के भी सेंटर बन चुके हैं, इंडिया के अंदर तो अभी अल्कोहल ड्रग वगैरह के ही होंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड की डील के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि करीबन 70 बिलियन की डील है। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सबॉक्स, जो एक्सबॉक्स बनाते हैं वो उनका है, उनके अंदर जो सोनी की एक्सक्लूसिव गेम होती है वो नहीं आती है। और एक्सबॉक्स की तो खैर मुझे नहीं लगता कोई एक्सक्लूसिव गेम है भी, जो एक्सबॉक्स पे आती है वो सोनी पे भी आती है, तो ये चक्कर तो है। लेकिन सोनी को इतना डर था कि इन्होंने एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड की डील कर ली तो भैया ये कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज हमारे प्ले स्टेशन पर लॉन्च नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया माइक्रोसॉफ्ट से कि भैया 10 साल तक तुमको कॉल ऑफ ड्यूटी की जो भी गेम लॉन्च की जाएगी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देनी होगी, ऐसी डील है, वरना भैया हम बवाल उठाएंगे इस डील के ऊपर। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया कि ठीक है भैया, एग्रीमेंट साइन करते हैं हम इस पर, तो 10 साल तक कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम आएगी प्ले स्टेशन के ऊपर भी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक कोस्टल एरिया है जिसको ग्रीन हेड कहा जाता है, वहाँ पर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट पाया गया है, अचानक से ही प्रकट हो गया है। इसको UFO बताया जा रहा है, मतलब UFO का कोई पार्ट होगा या फिर कोई मिस्टीरियस शिप का कोई पार्ट होगा, मतलब किस चीज़ का पार्ट है वो अभी उनको पता नहीं लगा, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ऐसा अंदाज़ा है कुछ एक्सपर्ट्स का कि ये चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो हुई है अभी रिसेंटली 14 जुलाई को हुई है, उसी का कोई पार्ट हो सकता है, ये PSLV रॉकेट का थर्ड स्टेज का पार्ट हो सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। कि भैया मैचिंग होती है कुछ कुछ, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर होते हैं ना कुछ एक्सपर्ट जो मैच करने लग जाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि बोइंग 777 का वेस्ट सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लेन मिसिंग हुआ था ना जो मलेशिया का था, MH17 करके था कुछ, तो उसका भी पार्ट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर तो ही मालूम चलेगा एग्जैक्टली ये किसका पार्ट है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हो। दोस्तों, एलोन मस्क का एग्जैक्ट डुप्लीकेट मिल चुका है जो कि चाइना के अंदर मौजूद है, जो कि कुछ इस तरीके का है, एग्जैक्टली एलोन मस्क के जैसा ही दिखता है। इसका नाम है ली लॉन्ग मा, जो कि वहां के टिकटॉक यानी डोइंग के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रखा है, मतलब बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इसकी, इसको असली का ही समझते होंगे कई सारे लोग तो। और मैं तो ये समझूंगा इसे कि मतलब ये 30 साल वाला एलोन मस्क है इस वक्त में, कि कैसा लगता होगा, बिल्कुल ऐसा ही लगता होगा, हालांकि वो गंजा था एलोन मस्क उस वक्त में, अब बाल लगवा लिए। दोस्तों, स्विगी से आप अपना खाने का ही सामान नहीं जो फूड ऑर्डर करते हैं हम, वही नहीं बल्कि अपना सामान भी भेज सकते हैं, कि मतलब कोई भी आइटम अगर आपको इधर उधर भेजना हुआ आसपास तो वो भी वो कर देते हैं। उनकी एक स्विगी जीनी डिलीवरी सर्विस होती है, वो आप हायर कर सकते हो। तो एक बंदे ने बेंगलुरु के अंदर यही सर्विस हायर करी थी, क्योंकि अपने दोस्त के घर पर वो अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा भूल गया था, जो कि करीबन 82,000 रुपये की एप्पल की वॉच है, और उसको वो चाहता था कि भैया वो डिलीवरी वाला उसके घर पर ले आए। तो उसने वो सर्विस करता है हायर
है, जिसके बाद में बंदा वहां पे पहुंचता है जो डिलीवरी एजेंट होता है वो पिकअप तो कर लेता है वो एप्पल वॉच, लेकिन उसके बाद में वो कैंसिल कर देता है इस डिलीवरी को और सारे के सारे ही कॉन्टैक्ट उनके ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद में वो बंदा परेशान हो जाता है कि ये हुआ क्या। अपने दोस्त को कॉल लगाता है, दोस्त कहता है वो तो ले गया, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी है, जिसके बाद में वो कस्टमर केयर से बात करते हैं, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन ये जो एप्पल वॉच अल्ट्रा होती है इसमें ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है, जिसके बाद में ये ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं और 2 बजे ये उस बंदे को स्विगी वेयरहाउस से पकड़ते हैं और उसके हाथ में अपनी एप्पल अल्ट्रा वॉच देखते हैं और उसके बाद में रंगे हाथों उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर उनकी मदद बताऊं कौन करता है, रैपिडो राइडर, जो कि उनको लेके जाता है उस वेयरहाउस के अंदर, जिसके बाद में उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ के जो उसकी बेइज्जती करते हैं और उसके बाद में वॉच तो ले ही लेते होंगे। बाकी पुलिस का मैटर तो इसमें लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही जब ट्रैक कर लिया तो जेठालाल की तरह खुद ही मामले सॉल्व कर दिए, तो चालू पांडे की जरूरत ही नहीं पड़ी।